घर का क्लीनिंग तो हम लोग हर रोज़ ही कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में इस घर का, इस किचन का डीप क्लीनिंग और उसके साथ रियूज़ भी आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। पूरे घर का सफाई जैसे हम लोग हर रोज़ करते हैं, किचन का सफाई भी हम लोग हर रोज़ करते हैं, लेकिन किचन का इतना डीप क्लीनिंग मैं शायद ही इस घर में शिफ्ट होने के बाद की हूँ। इसके नतीजा मेरे पास बहुत सारे ऐसे सामान जम गया है जिसका कोई यूज़ अभी नहीं है। चलिए आज के वीडियो में मैं सारे किचन आइटम्स का डीप क्लीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके साथ सारे पुराने आइटम को कैसे दोबारा से यूज़ कर सकती हूँ वो सारे आइडिया भी अब सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी क्लीनिंग का सबसे पहला पार्ट तो यही होता है सारे चीज़ को निकाल के अच्छे से डीप क्लीन करना। मेरा ये मॉड्यूलर किचन है, इसीलिए सारे ड्रॉयर्स को पहले डीप क्लीन करना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया था। पहले मैंने ड्रॉयर को खोल के अच्छे से क्लीन कर ली हूँ अंदर से एंड बाहर से ही। मेरा किचन देखिए लाइट कलर में है, इसीलिए बाहर से भी ये उतना साफ़ हर रोज़ करना पॉसिबल नहीं होता और वो गंदा भी दिखता है। इसलिए अंदर की सफाई करने के बाद मैं कॉलिंग के मदद से सारे ऊपर का जो शीट है उसको साफ़ कर ली हूँ। देखिए किचन के साइड में ना ऐसे बहुत सारे दाग हैं, मतलब ये जो दाग है ना जब काम हुआ था घर पे तभी से है। मैं एक दो बार कोशिश की थी लेकिन उतना अच्छे से ही उठा नहीं था, इसलिए इस बार मैं कॉलिंग के मदद से पहले तो बहुत अच्छे से ऊपर का सरफेस एंड ये चैनल दोनों को साफ़ कर ली हूँ और उसके बाद एक चाकू के मदद से इसके ऊपर लगा हुआ जो दाग था उसको उठाने की कोशिश की हूँ। कुछ कुछ दाग उठ गए हैं और कुछ कुछ दाग रह भी गए हैं। क्लीनिंग तो देखिए हम लोग सब लोग करते रहते हैं, लेकिन काम के जल्दबाजी में इतना सब कुछ सही करके रखना पॉसिबल भी नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी ऐसे डीप क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं इस पर क्या की हूँ, थोड़ा सा किचन का जो सामान था उसको इधर उधर की हूँ। ये जो मेरा मसाला है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी हूँ। देखिए किचन का मेरा है तो मॉड्यूलर किचन, लेकिन ज़्यादातर सामान ना मेरा बाहर रहता था, तो मैंने क्या किया, एक जो ये स्टोरेज बॉक्स था इसमें मेरा केक आया था, इसके अंदर मेरा जो किचन टॉवल्स है ये सारे डाल दी हूँ और इसको मैं रख दूँगी इसी जगह पर। सारे जो टिफ़िन बॉक्सेस था इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। एक्चुअल में ना सारे चीज़ रहते तो एक ही जगह पे है, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम अगर आप सही से नहीं रखो तो वो डीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वो थोड़ा फैल जाता है, तो इसीलिए सारे जगह बहुत मेसी भी दिखता है, उतना क्लीन भी ही नहीं दिखता है। इसीलिए इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं सारे जो मेरा कटोरी है, ये सारे मेरा वेजिटेबल बास्केट है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। देखिए काम तो बहुत छोटा है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं करना, इसीलिए हम लोगों का किचन जो है वो मेसी दिखने लगता है। और ये सारी जो चीज़ मेरा निकला है ना किचन से, इसको मैं सारी चीज़ को थोड़ा सा दूसरे काम में यूज़ करूँगी। अभी बस कुछ ही काम हुआ है और रात को 9 भी बज गया है, क्या करूँ, किचन के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक्चुअल में हर सामान लगता है कि ज़रूरी है, हर सामान लगता है कि इसको रख दूँ, लेकिन ऐसे करते हुए बहुत सारे एक्सेस सामान हो चुका था और किचन में भी मेरा जगह बिल्कुल फुल हो गया था। तो मैंने पुराने सारे सामान को हटा दी हूँ, लेकिन सारे सामान को मैं फेंकी नहीं हूँ, सारे सामान का मैं कुछ ना कुछ तो यूज़ ज़रूर बना लूँगी और वो सब आपके साथ शेयर भी करूँगी। अभी 9 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, तो डिनर करके फिर दोबारा से काम स्टार्ट करती हूँ। डिनर के बाद फिर से मैं लग गई काम पे, जितना भी सामान मैंने बाहर निकाली थी सारे सामान को मैंने सीमेंट के 2-3 पन्नी में रखा कि किचन मेरा थोड़ा सा क्लीन दिखे और उसके बाद मैं थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग का काम कर पाऊँ। देखिए मुझे लग रहा था ना ये वाला बॉक्स इतना स्टेडी नहीं है, इसीलिए ये जो एक इंडिगो का जो पीनट्स का बॉक्स होता है ना उसी के अंदर मैंने सारे मसालों को निकाल के रखी, और ये देखिए थोड़ा सा स्टेडी भी है और ये भी थोड़ा अच्छा
भी दिख रहा है देखने में भी। इस वाले जाय का जगह पे ना मेरा ऑयल्स रहता था, तो मैंने एक जब सफाई करी थी तब ये मैंने ऑयल रखने का एक अच्छा सा बास्केट देखा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, इस वाले बॉक्स के अंदर सारे ऑयल्स को रख देती हूँ और ये वाले जो है ये अच्छा है, इसके अंदर मैं रख दूँगी मेरे सारे चॉपर्स बोर्ड जो है उसको, तो ये भी ऑर्गेनाइज रहेगा, गिरेगा भी नहीं और मेरा सामान भी यूज़ हो जाएगा। ये जो ग्लास है ये भी मुझे मिला है, प्लास्टिक ग्लास मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तब मैं इसके अंदर मेरी ब्रशेस सारे रख दूँगी। ये वाले जो जगह है ना इस पे मेरा ऑयल रहता था, तो इसको बहुत ज़्यादा गंदा भी दिख रहा था, तो मैंने क्या कि एक बेडशीट तो है ना उसको छोटा करके, पिलो कवर जो होता है ना उसको छोटा करके इसके ऊपर डाल दी हूँ और उसके ऊपर सारे जो ऑयल्स का पैकेट था वो रख दी। और ये जो कॉफ़ी मशीन है मेरी इसको भी मैं इसके अंदर ही रख दी हूँ, दिखने में भी सुंदर लगेगा और बाहर भी इतने सारे सामान नहीं रहेगा। और इसी के अंदर जो मिठाई का डब्बा है ना उसको मैं यूज़ करूँगी मेरा टी रखने की जगह के हिसाब से। चीज़ तो बहुत छोटा है लेकिन देखिए इसको अच्छे से रखने से इस जगह का पूरा लुक ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब बारी है जिस काम को मैं 3 साल से बस इग्नोर ही कर रही थी, मेरे सारे जो बॉटल्स होता है जिसको मैं सोचती हूँ कि इससे कुछ बनाऊँगी लेकिन अल्टीमेटली बन नहीं पाता है, वो सारे बॉटल्स मैं इसी वाले जगह पे रखती थी। यहाँ पे मेरा पुराना फ़ोन भी निकाला है जो 3 साल पहले गुम हो गया था, एक्चुअली ये पुराना है तो यूज़ होता नहीं है। इस बॉटल सारे जो बॉटल है इस पन्नी के अंदर मैं रख दे रही हूँ जिसको मैं बाद में डिस्पोज कर दूँगी। या देखिए ये वाला एरिया को मैंने इतने हल्के से ऐसे सजा लिया हूँ। ये जो मसाला वाला डब्बा था ना इसके अंदर मैंने मेरा टेक्सचर आर्ट का सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स थे जिसको मुझे काम करना होता है वो सारे पार्ट मैंने रख दिए। ये अलग भी हो गया है सारे और दिखने में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है। देखिए एक पुराने चीज़ों को कैसे मैंने न्यू करके यूज़ कर ली हूँ। और मैं बताई थी ना इस वाले डब्बे को मैं यूज़ करूँगी मेरी ब्रश होल्डर के लिए, मैंने इसको ब्रश होल्डर की तरह ही यूज़ की थी। और इसके साथ ये जो डब्बा है इसके अंदर मैंने सारे मेरे लाइट्स रखी हूँ जो बैटरी वाला लाइट्स होते हैं उसको, बाद में जब मेरा ढूँढने का काम का टाइम होगा बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए मेरा किचन लगभग ऐसे ही कुछ दिखता था, इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड। अब थोड़ा सा काम करने के बाद मेरा किचन कुछ इस तरह दिख रहा है। ये सारे जो आइडिया हैं हो सकते हैं आप में से कुछ लोग हर रोज़ यूज़ करते होंगे और मेरे आइडियाज़ को आपको लगता ही होगा बस बोली क्या रही है, लेकिन जी हाँ छोटे छोटे चीज़ है जिसको मुझे याद करने में मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मैंने सोचा मेरे जैसा जो लोग नए नए अपने काम शुरू किए होंगे उसको मैं बता दूँ तो हो सकता है उसको थोड़ा सा मदद हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, होप करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ मेरी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।